हे गाइस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया चलिए तो आज का जो सेशन है वो स्पेशल सेशन है नाबार्ड का आज फाउंडेशन डे है और नाबार्ड के फ़ाउंडेशन डे के ऊपर नाबार्ड के बारे में ही डिस्कस करेंगे नाबार्ड कब एस्टाब्लिश हुआ कौन इसके चेयरमैन हैं इसके फंक्शंस क्या हैं और ये किस प्रकार से परफॉर्म करता है इसके अंडर में कौन कौन सी स्कीम है जो प्रेजेंट टाइम में रन की जा रही है और कौन कौन से पोर्टल है जो कि इसके अंडर में आपके रन किए जा रहे हैं तो ये सारी जो कहानी है आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चों को आपस में आ, कम से कम शेयर कर दीजिए ताकि जितना हो सके मैक्सिमम बच्चों के साथ हम ये चीज़ शेयर करके और कोशिश करेंगे कि इसको समझाया जा सके क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं उनके रिलेटेड भी आपके डाउट जो होंगे उनको क्लियर किया जाएगा कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उस परस्पेक्टिव भी इसको टॉपिक को तैयार किया गया है कैसे जो है आप लोग चाहे कोई भी एग्जाम आपका है और उसमें अगर नाबार्ड के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप कैसे आंसर कर सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे तो आपका सबसे पहले मैंने क्या बोला कि नाबार्ड देखो सबसे पहले नाबार्ड जो है वो 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था एस्टेब्लिस हुआ था एग्जिस्ट में आया था ठीक है नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है नाबार्ड के जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो आपके जी आर डॉक्टर जी आर चिंताला यानी कि गोविंदा राजालू चिंताला हैं क्या बोला कि जो आपके नाबार्ड का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और नाबार्ड के जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में वो जी आर चिंताला है और उनसे पहले कौन था हर्ष कुमार कौन सी है तो याद रखना कमेटी आपकी क्रेफी कार्ड रिस्पॉन्सिबल है यानी कि, कि किस कमेटी के अंडर में नाबार्ड एस्टेब्लिश किया गया था सो आपका कार्ड कमेटी के अंडर में किया गया था, जिसको थर्टीथ मार्च 1979 में किया गया था और याद रखना इसके जो चेयरमैन थे कमेटी के वो बी शिवार थे और बी शिवार जी के चेयरमैन होने के कारण ही इस कमेटी का नाम कई बार बी शिवारमन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है लेकिन एक्चुअल में कमेटी जो थी वो आपका उसका नाम क्रैफी कार्ड था नेक्स्ट है कि नाबार्ड की जो सब्सिडरीज हैं वो कौन कौन सी हैं तो आपका नेब किसान नेब समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड नेफिंस लिमिटेड ने फाउंडेशन नेबकॉन्स नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस नेब नेब वेंचर लिमिटेड नेबसन ट्रस्टी कंपनी ये सारे के सारे क्या है आपके यहाँ पर जो है आ, इसी के ही सब्सिडरीज हैं जो इसके अंडर में वर्क करती हैं फार्मर्स के वेलफेयर के लिए आगे हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी एजेंसी किस प्रकार से फार्मर के वेलफेयर के लिए क्या कर रही है आपकी वर्क कर रही है इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका है नाबार्ड के अंडर में जो डिफरेंट आपकी स्कीम रन की जाती है सबसे पहले अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा जो नाबार्ड के पार्टनरशिप में स्कीम चलाई जा रही है उनमें से पहली स्कीम है डेयरी एंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट स्कीम दूसरा आपका है कमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट उसके बाद है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जीएसएस एंश्योरिंग एंड यूज ऑफ सब्सिडी रिलीज्ड और आपका यहां पर है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और लास्ट आपका है न्यू एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अलावा भी आपका अगर हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या आपका एफपीओ है या यहां पर अगर हम बात करें तो आपका जो प्रेजेंट टाइम में है इन सभी एजेंसीज के साथ इन सभी स्कीम के साथ और भी बहुत सारे जैसे अगर माइक्रो इरिगेशन फंड की बात करते हैं तो वो सब प्रमोट किया जा रहा है किसके द्वारा नाबार्ड के द्वारा और नाबार्ड जो है उसके मेन फंक्शन क्या क्या है तो नाबार्ड के मेन तीन प्रकार के फंक्शन है एक फाइनेंशियल है एक डेवलपमेंट है और एक आपका सुपरविजन है देखिए नाबार्ड की अगर हम बात करें तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या बोला गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कि एक ऐसा नेशनल बैंक जो कि आपका एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है यानी कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आपका कभी भी किसी भी आपका फार्मर को या किसी भी आपके एंटरप्रेनर को डायरेक्टली लोन प्रोवाइड नहीं करवाता है इसके जो आपके मेजर लोन है या फिर अगर हम बात करें तो इसमें हम एक वर्ड बोलते हैं कि रीफाइनेंस क्या वर्ड यूज किया जाता है रीफाइनेंस ये क्या करता है कि ये आपका जो रीजनल रूरल बैंक है या आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको रीफाइनेंस करने का काम करता है क्योंकि आपका जो लोन प्रोवाइड करवाया जाता है फार्मर्स को वो आपका रीजनल रूरल बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है फार्मर्स को और अब उनको जो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल हेल्प की मिल रही है या फाइनेंशियल जो अमाउंट दी जा रही है उसमें हमारा क्या आ गया फाइनेंशियल फंक्शन आ गया यानी कि जो मनी की फॉर्म में जो हेल्प किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए जो डिफरेंट सब्सिडी प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंडर में जो सब्सिडी दी जाती है फार्मर को उसको यहां पर क्या किया जाएगा फाइनेंशियल में नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट स्कीम तो डेवलपमेंट स्कीम में जितनी भी आपकी स्कीम है ऊपर इन सभी स्कीम को ही क्या किया जा रहा है आपका इसके अंडर में रन किया जा रहा है डेवलपमेंट 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 मतलब आपका जो एग्रीकल्चर और रूरल है उसके लिए क्योंकि नाम ही बैंक का क्या है एक ऐसा बैंक जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा वर्क करेगा तो उनके लिए जितनी भी स्कीम है उनको हम लोग क्या किसके अंडर लेकर आएंगे आपके डेवलपमेंटल फंक्शन के अंडर में और लास्ट में आपका आता है सुपरविजन कि इन्होंने जो स्कीम लॉन्च की है या फिर जिस स्कीम के अंडर में इन्होंने फंड आपका रिफाइनेंस करने का काम किया बैंक को उस बैंक ने वो फंड आपका पर्टिकुलर जिसकी रिक्वायरमेंट थी या जिसकी नीड थी उस पर्सन तक वो फंड गया या नहीं गया उस चीज को सुपरवाइज करने का जो काम है वो किसका है आपका यहां पर नाबार्ड का है क्योंकि रीजनल रूरल बैंक को जो आपका सुपरवाइज करता है वो कौन करता है नाबार्ड करता है ठीक है वैसे जो बैंकों को रेगुलेट करता है वो कौन है आपका आरबीआई है लेकिन उनके अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रूरल डेवलपमेंट के लिए चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो चाहे वो आपका यहां पर एफ हो फार्मर प्रोड्यूसर आपका हो या पी हो या फिर यहां पर आपका एमएसएमई हो या आपका मुद्रा लोन हो उन सभी के ऊपर फोकस किया जाता है किसके द्वारा आपका नाबार्ड के द्वारा क्योंकि ये वर्क कहां वर्क करता है ये आपका कहीं ना कहीं रूरल सेक्टर और आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनको

और यहां पर अगर हम बात करें तो आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि नाबार्ड जो है उसके रिलेटेड जो आपकी स्कीम देखो एक आ, स्कीम चल रही है या फंड चल रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा सा एक चीज और देखना चाहूंगा कि नाबार्ड की रिपोर्ट थी दो हजार की बाईस तेईस की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है मे बी आज आए तो डेफिनेटली उसको भी एलेबरेट कर दिया जाएगा लेकिन इक्कीस बाईस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट जो था एग्रीकल्चर का वो फाइनेंशियल ईयर टू में फोर था और आपका 2021 के अंदर 3.6 था और उसके बाद में इन्होंने बताया था इस रिपोर्ट के अंदर कि एग्रीकल्चर जो शेयर है जीवीए के अंदर वो 16.3 था आपके 2021 के अकॉर्डिंग ठीक है लेकिन यहां पर आपको अगर हम बात करें तो टू थाउजेंड ट्वेंटी अकॉर्डिंग आपका जब हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हैं तो उन्होंने बोला था कि 20.2 है और जो आपका 2021-2 के बात करें तो उसके अंदर हमारा 18.8 आएगा ठीक है तो यहां पर ये जो डेटा है ये मैं आपसे एक बार बोलना चाहूंगा कि इसको आप लोग मत पढ़ना, क्योंकि यहां पर ये जो डेटा है वो आपका चेंज हो जाएगा लेकिन यहां पर जो ऑपरेशनल होल्डिंग है वो बिल्कुल सही है इसको आप लोग याद कर सकते हो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज नाबार्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वन हेक्टेयर और ग्रोस क्रॉप एरिया ये भी आप लोग याद कर सकते हो ये भी आप लोग यहां पर याद कर सकते हो लेकिन यहां पर जो आपका ये डेटा है ये आपको यहां से याद नहीं करना है क्योंकि ये नाबार्ड की रिपोर्ट जरूर है लेकिन अभी डेटा क्या हो चुका है आपका चेंज हो चुका है तो इसलिए इस डेटा को आप लोग यहां पर याद है, अभी नहीं करोगे क्योंकि ये रिपोर्ट थी इसलिए मैंने एग्जेक्ट इसको एज इट इज फॉर्म में आपके सामने लेकर आया और उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट पार्ट यहां पर है कि जैसे हाईएस्ट इरिगेटेड जो स्टेट है पंजाब में आपका 99% परसेंट एरिया हरियाणा में 92.7% परसेंट वेस्ट बंगाल में 80.4 और यूपी के अंदर आपका 69.8% परसेंट एरिया क्या है इरिगेटेड है लो इरिगेशन स्टेट सबसे कम ओडिशा में है फिर आपका महाराष्ट्र में है और फिर आपका छत्तीसगढ़ में है और आप समझ सकते हो कि महाराष्ट्र के अंदर अवेलेबल नहीं है।, डिफरेंट आपके जो प्रोग्राम है अभी आपको दिखाया भी था कि वॉटरशेड के लिए मैनेजमेंट पोर्टल आपका यहां पर नाबार्ड के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है तो वो सब पोर्टल जो है वो वॉटरशेड एरिया को इंप्रूव करने के लिए ही क्या किया जा रहा है इनको डेवलप किया जा रहा है उसके बाद में है वॉटर सेट जो डेवलपमेंट फंड है वो नाबार्ड के द्वारा फाइनेंशियल ईयर टू के अंदर दिया गया था उसका टू करोड़ अमाउंट ठीक है और इसी के साथ अगर हम बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट लोस्ट एग्रीकल्चर में अकॉर्डिंग टू नाबार्ड रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग जो है 25 टू 30 लोस आपके देखने को मिलते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन आपका 2021 के अंदर जो था वो 305.4 था लेकिन अभी जो डेटा है वो चेंज हो चुका है आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में थर्ड एडवांस एस्टिमेट जो आया था इस साल का उसके अंदर मई में ही आया था और उसके अकॉर्डिंग थ्री वन 4.5 मिलियन टन आपका टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में थर्ड एडवांस एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग कितना है ये आपका 314, यानी कि 314.5 मिलियन टन आपका प्रेजेंट टाइम में है आपका ये और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लाइफ स्टेक और आपका फिशरीज ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपको याद नहीं करना है फिशरीज का बिल्कुल नया डेटा ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं आपके पिछले वीडियो के अंदर अगर आप लोग जाकर देखोगे तो एक या दो दिन पहले की वीडियो है उसमें मैंने फिशरीज के रिलेटेड पूरा नया कंटेंट जो था वो वहां पर आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है उसको आप लोग वहां पर आपका देख सकते हो ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला आपका यहां पर क्या है एफपीओ एफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया था कि आपका यहां पर 10,000 को बनाया जाएगा पी साल में और आपको पता होना चाहिए अभी तक आपका 7,000 समथिंग जो है आपके बन चुके हैं अब एफ होते क्या हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनको बनाने के लिए जिम्मेदारी किसकी है इनको बनाने के लिए एक तो आपका एस यानी कि स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एनसीडीसी और नाबार्ड ये तीन आपके यहां पर एजेंसीज़ हैं जो कि आपका एफपीओ को प्रमोट करने के लिए क्या करती है वर्क करती है तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि आपका एफपीओ को प्रमोट किस किस एजेंसी के द्वारा करवाया जा रहा है एस तो एफ NCDC एनसीडीसी और नाबार्ड के द्वारा करवाया जा रहा है और यहां पर याद रखना कि नाबार्ड जो है इसका टारगेट था 4000 थाउजेंड एफपीओ को बनाने का लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 के अकॉर्डिंग इन्होंने हंड्रेड एफपीओ का जो टारगेट था वो पूरा किया और प्रमोट करवाया उन्होंने सिक्स थर्टी को ठीक है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्ड सोसाइटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर में भी आपका एफपीओ को रन किया जाता है नाबार्ड के अंडर में नाबार्ड के सुपरविजन में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो नैब वेंचर अभी हम लोग जो आपके वेंचर्स पढ़ रहे थे या फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सिडीज पढ़ रहे थे उसमें आपने एक नैब वेंचर के बारे में पढ़ा होगा नैब वेंचर क्या करता है ये आपका एग्रीकल्चर में फूड सेक्टर में फाइनेंस सेक्टर में या फिर रूरल सेक्टर में ये जो आपके एग्रीटेक है एनिमल हस्बेंड्री है इनके अंदर नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में नया आपका कोई अगर बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है उस केस में उन सभी केसेस के अंदर फार्मर को इस के लिए गाइड किया जाता है रेगुलरली टेक्नोलॉजीज वगैरह के लिए तो वो हमारा कौन वर्क कर रहा है आपका नेब वेंसर इसी के साथ आपका नेब स्किल है नेब स्किल की बात करें तो देखो इन्होंने साफ लिखा है कि नेब डिजिटल इंटरफेंस ड in यहां पर ये लोग क्या करते हैं फार्म सेक्टर को इनिशियटिव करने के लिए रूरल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए ये आपके एप्लीकेट की एक एप्लीकेशन डिमांड करते हैं और उसके साथ उनकी रिक्वायर्ड डिमांड के अकॉर्डिंग उनको जो है फाइनेंशियली या फिर उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ये देखिए उनको ओन सॉरी ओ फार्म आपका प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्किल डेवलपमेंट रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कैटलिस्ट आपका सपोर्ट और आपका रूरल इनोवेशन एग्जीबिशन रूरल हार्ट या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन सभी के लिए फार्मर्स की क्या की जाती है या फिर जो भी आपका एक नया एंटरप्रेनरशिप एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में आता है तो उनको उस सेक्टर के लिए क्या की जाती है हेल्प की जाती है चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के लिए हो या फिर बाकी सभी चीजों के लिए हो नेक्स्ट आपका यहां पर है एस एफ ए सी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम ये आपका एक क्या है

उसके बाद हमारा यहां पर है नेबकॉन्स नेबकॉन्स क्या है नेबकॉन्स एक ओली ओवन आपका सब्सिडीज प्रोमोटेड बाय नाबार्ड है ना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो ये करते क्या है ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं क्या करवाते हैं ये आपका कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं किसके लिए एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट क्योंकि देखो बार बार एक शब्द बोल रहा हूं कि नाबार्ड किसके लिए वर्क करेगा एक एग्रीकल्चर के लिए और एक रूरल डेवलपमेंट के लिए है ना तो वहां पर ये क्या प्रोवाइड प्रोवाइड करवाएंगे करवाएंगे कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा फार्मर है उसको डेफिनेटली स्किल नहीं है उसके पास नॉलेज नहीं है तो आपका उसका अगर पैसा उसको लगाना है तो डेफिनेटली उसको हेल्प मिलनी चाहिए ना कि भाई कैसे पैसा लगाया जा सकता है कहां लगाया जा सकता है क्योंकि मार्केट में तो लगाना नहीं है यहां पर लगाना है आपका कोई नया इनिशिएटिव अगर स्टार्ट करना है या फिर उन्होंने जैसे माइक्रो इरिगेशन कोई आपका प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करना है या फिर उन्होंने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करना है तो उस केस के लिए आपका यहां पर यह क्या किया जाता है उनको हेल्प की जाती है अब हम लोग बार बार एक चीज के बारे में पढ़ते होंगे कि नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट आपने बार बार ये शब्द सुना होगा कि सर नाबार्ड के मॉडल बैंक प्रोजेक्ट हमें प्रोवाइड करवा दीजिए इसका मतलब क्या होता है देखो नाबार्ड क्या कर रहा है रेगुलरली जो है आपकी स्कीम को प्रमोट करवा रहा है या फिर आपका लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी प्रकार से फार्मर्स को हेल्प की जाए उनको नए नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाए तो उसी के चक्कर में गवर्नमेंट नाबार्ड जो है, वो क्या करता है अपना कुछ प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है अभी प्रेजेंट टाइम में कोई नया लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन प्रीवियस जो आपके बैंकेबल प्रोजेक्ट लोन आपके हुए हैं उनके अकॉर्डिंग वो गाइडेंस देते हैं या फिर आपके फार्मर को हेल्प की जाती है कि किस प्रकार से वो आपका किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं उसमें कितने एनिमल हो सकते हैं कितना आपका वहां पर साइज हो सकता है

हाउस आपको डेवलप करना है अब उसके बाद उनको पेमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट के अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है कि किसी के पास कितना पैसा है तो भाई जो स्मॉल बिल्कुल आपके स्मॉल फार्मर है वो क्या करेंगे स्मॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे मीडियम वाले मीडियम को लॉन्च करेंगे और हायर वाले आपका आपका जो है हाईएस्ट लेवल का जो रहेगा उसके अंदर हम बात कर सकते हैं इफेक्टिव होगा, है। होगा उसके अकॉर्डिंग बनाना, बनाना है तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा ठीक है तो जैसे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है वैसे उनका वहां पर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी उसके बाद में होता है कि सीट कितना मोटा यूज करना है पोलीथाइलिन सीट के अंदर वो गाइडेंस मिल जाती है से अब यहां पर उसी चीजों को हमें क्या करना पड़ता है याद करना पड़ता है ठीक है वही हमारे क्या होते हैं

कंसंट्रेटेड फीड कितना खिलाना चाहिए ग्रीन फोडर फीड कितना खिलाना चाहिए ड्राई फोडर फीड कितना खिलाना चाहिए वो आपको नाबार्ड एक गाइडलाइन देता है उसके लिए रखने के लिए जब वो आपका रिप्रोडक्शन के टाइम पर यानी कि अगर हम बात करें पार्चुएशन के टाइम पर है तो उस टाइम उसको कहां रखना चाहिए सेपरेट रखना चाहिए उसके लिए स्पेस कितना होना चाहिए और जब वो नॉर्मल कंडीशन में है तब उसको वहां पर कितना स्पेस प्रोवाइड करवाना चाहिए मिल्किंग एनिमल को कहां रखना चाहिए वो गाइडलाइन जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट होता है और उसके अंडर में वो गाइड करते हैं कि कितना लोन हो सकता है कितनी अमाउंट हो सकती है लेकिन वो अमाउंट यहां पर आपसे अब नहीं पूछ जाएगी क्योंकि उन लोगों ने जो नाबार्ड के अंदर बैंकेबल प्रोजेक्ट में जो अमाउंट लिख रखा है वो काफी टाइम पुराना है लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता तो वहां से हमें कुछ चीजों को ही उठाना है जो कि आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है ठीक है तो उनको हम नाबार्ड बैंक केवल पेजेस पेजेस के 10 के अंदर अंदर आपको जब अभी करेंगे उस टाइम आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा उसमें पूरा लास्ट ईयर भी प्रोवाइड करवाया था और आप लोग अगर देखोगे क्वेश्चन उठाकर तो वहीं से आपको मिल जाएंगे अब जैसे रूरल गोडाउन है तो रूरल गोडाउन कितना दूर होना चाहिए आपका जैसे ब्रिक क्लीन से कितना होना चाहिए इंडस्ट्री से कितना होना चाहिए रोड साइड से कितना दूर होना चाहिए वो हमारा गोडाउन है अब गोडाउन के अंदर आपका साइज कितना हो सकता है कितना खाली रखना चाहिए कितना भरा हुआ होना चाहिए वो हो सकता है आपका साइज मिनिमम कितना होना चाहिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो आपकी गाइडलाइन हो सकती है समझ पा रहे हो मेरी बात को तो यहां पर ये सब गाइडलाइंस को नाबार्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है स्टडी करना होता है और नाबार्ड क्या है नाबार्ड बार बार, बार बोल रहा हूं कि एक आपका रीफाइनेंसिंग एजेंसी है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रही है और बार बार एक चीज समझनी पड़ेगी यहां पर कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जा सकता है उसके लिए नई स्कीम किस प्रकार से लॉन्च की जा सकती है कौन सी

मिनिस्ट्रीज के नेम बता दो सभी है मिनिस्ट्रीज मतलब किसके रिलेटेड भाई इसके अलावा अब देखो डियर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लगातार जब प्रैक्टिस कर रहे हो है ना एग्जाम के लिए तो लगातार रगे रहिए है, है ना मेहनत करते रहिए आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता मैं हर वीडियो में एक शब्द बोलता हूं कि मेहनत करिए लगातार करिए दैट इज इंपॉर्टेंट और वीडियोस में कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम आपको कंटेंट पर फोकस किया जाए ना कि इधर उधर की बातों में उसमें कोई मजा नहीं आएगा ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा और भी ऐसी लगातार लेकर आते रहेंगे लेकिन इसमें आपका साथ चाहिए जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंच सके और मैक्सिमम बच्चों तक रीच होगी तो डेफिनेटली कुछ अच्छा आपके लिए आने वाले टाइम में जरूर करेंगे थैंक यू सो मच घर रहिए सुरक्षित रहिए पढ़ते रहिए मजे में रहिए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय भारत